मेवात जिले के ताबड़ू डीएसपी सुरेंद्र कुमार की हत्या मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने कड़ी कार्रवाई के मेवात पुलिस को आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जितनी फोर्स लगानी पड़े लगाएं, पर खनन माफियाओं को बख्शेंगे नहीं। आपको बता दें कि आज ताबड़ू के पचगावा में ताबड़ू के डीएसपी खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए गए थे, जहां पर खनन माफियाओं ने उन पर डंपर चढ़ा दिया, जिनकी मौके पर उनकी दर्दनाक मौत हो गई। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। साहब, इस तरीके के जो है पूरे प्रदेश में, यमुनानगर में भी जो है कई बार ऐसे मामले आए हैं? नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार साथियों, आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा, NIT 86 फरीदाबाद। बड़ा दुखद घटना रही आज, जिस तरीके से आज हरियाणा पुलिस के DSP सुरेंद्र सिंह जी के साथ व्यवहार हुआ, और हमारी सरकार से मांग है कि कानून व्यवस्था में सुधार करे। ऐसे कैसे पुलिस बल कार्य करेगा, प्रशासन कार्य करेगा, चाहे विधानसभा की बात हो चाहे बाहर हो। मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ कि आज प्रदेश में खनन माफिया बहुत सक्रिय है। विधानसभा में मैंने प्रश्न भी लगाए थे कि किस तरीके से OTS पॉलिसी लाके सरकार का करोड़ों का नुकसान किया, इससे भी खनन माफिया का मन नहीं भरा। तो आज जिस तरीके से ये हत्या की गई है, हम इसकी निंदा भी करते हैं और सरकार से मांग भी करते हैं कि इस अवैध खनन पे रोक लगे, खनन माफियाओं पे रोक लगे और जनता के पैसे की लूट बंद हो। जय हिंद, जय भारत, राम। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात सिटी न्यूज। रोजाना खबर देखने के लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम दिखाते हैं सच का आईना, रोजाना देखें मेवात, पलवल, रेवाड़ी, भरतपुर, अलवर, गुरुग्राम सहित तमाम जिलों की ताजा खबरें रोजाना देखना ना भूलें, सिर्फ मेवात सिटी न्यूज पर। लूट, हत्या, किडनैपिंग, बलात्कार, भ्रष्टाचार, सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरों के अलावा जिला प्रशासन, नेताओं से जुड़ी तमाम खबरें रोजाना जरूर देखिएगा।